अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। विरोध और समर्थन की आड़ में उठी एक चिंगारी ने दिल्ली को सुलगा दिया। बवालियों ने सालों तक खून पसीने से सींचकर खड़े किए गए दुकान मकान और सामान को जलाकर राख कर दिया। लोग बेसहाय और मजबूर हो गए। इस हिंसा की लड़ाई में किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति, तो किसी के सिर से बाप का साया ही खत्म हो गया। दिल्ली हिंसा में सब कुछ गंवा चुके लोगों को दिल्ली सरकार अब मदद देगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने देश के प्रमुख अखबारों में एक फॉर्म प्रकाशित किया है। पीड़ितों को फॉर्म भरकर स्थानीय SDM ऑफिस में जमा करना होगा। दिल्ली सरकार ने वयस्क मृतकों को 10 लाख रुपए, नाबालिग मृतक को 5 लाख रुपए और गंभीर चोट से पीड़ित के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही अगर इस हिंसा में किसी को स्थायी रूप से चोट पहुंची है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हरेक को उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशे और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपए प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा खराब हो गई मतलब बर्बाद हो गई तो 25,000 रुपए का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपए का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए, और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटेंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। आपको बता दें कि दिल्ली में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है और दिल्ली पुलिस शांति बहाली के लिए प्रभावित इलाकों में अमन कमेटी की मीटिंग भी करवा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है। फेक मैसेजेस फैलाने वालों को पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ बेहद सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस जांच में भी जुटी है। पुलिस का कहना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली की इस हिंसा में अब तक 123 FIR दर्ज हो चुकी है। साथ ही पुलिस ने अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 530 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जांच हुई तो हिंसा में शामिल आप नेता पर भी गाज गिरना शुरू हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की एक टीम चांदबाग इलाके में पार्षद ताहिर हुसैन की फैक्ट्री से सबूत जुटाने पहुंची थी। फोरेंसिक टीम उस स्थान का निरीक्षण कर रही है जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा का शव मिला था। उनका शव उत्तर पूर्वी के चांदबाग इलाके से 26 फरवरी को एक नाले में मिला था। ये वही इलाका है जहां आप नेता ताहिर हुसैन का घर है। जांच के दौरान ताहिर हुसैन के घर पर पत्थर पेट्रोल बम मिले थे जिसके चलते उन पर FIR दर्ज की गई। साथ ही ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है। देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूं, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई या बीजेपी का है या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत।
राजनीति करना बंद करो, देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।